बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर एल्विश यादव को भी पंगा लेने में काफी मजा आता है, भले ही चाहे वो उसे लेकर खुद ही ट्रॉल क्यों ना हो जाए। एक बार फिर वो अपने एक ट्वीट को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं, जिसमें वो बिना नाम लिए बिग बॉस 17 विनर मुनव्वर फारूकी पर तंज कस रहे हैं। एल्विश ने अपनी पोस्ट में भले ही मुनव्वर की गिरफ्तारी पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी पोस्ट के सामने आने के बाद हर कोई उसे मुनव्वर फारूकी से जोड़कर देख रहा है। बिग बॉस विनर्स की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक विनर जेल की हवा खाता नजर आ रहा है। हाल ही में बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 विनर एल्विश यादव को सांप के जहर मामले में गिरफ्तार किया गया था, मगर वो होली से पहले बेल पर जेल से बाहर आ गए हैं। एल्विश के बाद बिग बॉस 17 के विजेता मुनव्वर फारूकी को बीती रात मुंबई पुलिस ने अरेस्ट करने की खबर ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया था। एल्विश यादव ने अपने बाद मुनव्वर फारूकी की गिरफ्तारी की खबर सामने आने के बाद एक्स पर एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एल्विश ने अपने ट्वीट में बिग बॉस को लेकर कुछ ऐसा कहा है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। एल्विश ने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट पर लिखा, बिग बॉस जीतने के बाद सबका बुरा समय शुरू हो जाता है क्या? एल्विश यादव भले ही अपने इस ट्वीट के जरिए मुनव्वर फारूकी की गिरफ्तारी पर निशाना साधने की कोशिश की है, मगर यूट्यूबर ने बिग बॉस को लेकर जो बात बोली है वो लोगों को पसंद नहीं आई। वो उन्हें याद दिला रहे हैं कि बिग बॉस के दम पर ही वो रातों रात देश भर में फेमस हुए थे। एक यूजर ने कमेंट पर लिखा, एल्विश बिग बॉस की वजह से नहीं सिर्फ सांपों का जहर बेचने जैसे गैर कानूनी धंधे करने वालों का बुरा वक्त आता है। तो एक और यूजर ने लिखा, हाँ कुछ लोग राजनीति, धर्म और नकारात्मक पीआर पहले सीजन में जीते, उनका हुआ है बुरा टाइम। बता दें कि बीती रात मुंबई पुलिस ने एक क्लब में रेड मारी थी। उस दौरान उन्होंने वहां 14 लोगों के साथ मुनव्वर फारूकी को भी अरेस्ट किया था। हालांकि पुलिस ने उन्हें जल्द से जल्द नोटिस देकर रिहा कर दिया था, मगर अब लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में आगे की जांच के लिए SS ब्रांच के अधिकारी जल्द ही मुनव्वर फारूकी को पूछताछ के लिए तलब कर सकते हैं।